हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध मिलेंगी। जिसको भी PDF चाहिए हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टेलीग्राम चैनल की लिंक प्राप्त कर सकता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों, रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न को कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है घनानंद और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है दोस्तों, कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन शासक ने की थी, यानी उस शासक का नाम उदयन है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, सिकंदर महान जिसने कि संपूर्ण विश्व को लगभग जीत लिया था और जिसकी बहुत ही मजबूत और दृढ़ निश्चय वाली सेना थी, उस सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आपके ऑप्शन है तक्षशिला में, दूसरा है बेबीलोन में, तीसरा है मैसिडोनिया में और चौथा है फारस में। तो दोस्तों, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। दोस्तों, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के तट पर पड़ाव डाला था। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के तट पर पड़ाव डाला था। आपके ऑप्शन है झेलम, दूसरा है रावी, तीसरा है सतलज और चौथा है चेनाब। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चुनना है जहां पर सिकंदर और पोरस की सेना ने नदी पर पड़ाव डाला था। दोस्तों, वो ऑप्शन इसका है झेलम, यानी झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की सेना ने अपना अपना पड़ाव डाला था। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ये भी हुआ था कि पोरस की सेना तो भले ही बहुत विशाल थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसकी जो उसके रथ थे वो सारे के सारे वहाँ पर जो दलदली क्षेत्र बन गया था, बारिश की वजह से वहाँ सारे फंस गए थे। और इस प्रकार जो हाथी थे पोरस के, वो भी पागल से हो गए थे बारिश की वजह से और दलदल भूमि की वजह से, और वो अपनी ही सेना को रौंदने लग गए थे। तो इसका फ़ायदा सिकंदर को मिला और सिकंदर इस युद्ध में विजयी हुआ था। तो वो नदी का तट कौन सा था, झेलम। दोस्तों, आपको सभी विषय की PDF और ये वीडियोस आपको उपलब्ध मिला करेंगी। अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आपको और भी विषय की वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था। आपका पहला ऑप्शन है कान्यकुब्ज, दूसरा तक्षशिला, तीसरा है अवंतिका और चौथा है तीस्ता। तो बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था। दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। सी ऑप्शन है आपका अवंतिका, याद रखिएगा उज्जैन का प्राचीन नाम जो है अवंतिका था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। नंद वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। आपके ऑप्शन है कालाशोक, दूसरा महापद्मनंद, तीसरा है घनानंद और चौथा है नागार्जुन। तो आपको बताना है दोस्तों कि नंद वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। दोस्तों, आपका ऑप्शन बी सही है, महापद्मनंद। महापद्मनंद जो थे वही नंद वंश का संस्थापक था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन थी। मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और आप बताइए कि मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो आपका ऑप्शन है पहला राजगृह, जिसको गृहव्रज के नाम से भी जाना जाता है, चंपा, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा है वैशाली। तो आप बताइए दोस्तों कि मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन थी। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन, राजगृह यानी गृहव्रज, याद रखिएगा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। आपका अगला प्रश्न है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। आपके ऑप्शन है पहला घनानंद, दूसरा सुकल्प, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा महापद्मनंद। तो
तो आप बताइए दोस्तों कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। तो आपका ऑप्शन है इसमें घनानंद। घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्न में से किस राजवंश का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्न में से किस राजवंश का शासन था। तो आपका ऑप्शन है पहला मौर्य, दूसरा शुंग, तीसरा कण्व और चौथा नंद। तो आप बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में जिस राजवंश का शासन था वह राजवंश था नंदवंश। दोस्तों नंदवंश यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो हैं वो जूनियर सीटेट जूनियर या टेट जूनियर इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट में भी ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कोई उसका लिमिट नहीं होता है। इसलिए आपको जो है वो बिल्कुल शुरू से हिस्ट्री को बेसिक बना करके आपको यहाँ पर सारे बहुविकल्पी प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। और मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस की ही सीरीज़ बना करके मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ ताकि इसमें समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आराम से आप सीखते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, छठवीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो छठवीं शताब्दी में भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था बताइए। आपका पहला ऑप्शन है कम्बोज, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी और डी है वज्जी। अभी मैंने आपको बात में ही बताया था कि छठवीं शताब्दी में जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वह था मगध, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो मगध राज उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। 16 महाजनपदों का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो आपका पहला ऑप्शन है मध्यम निकाय, दूसरा अंगुत्तर निकाय, तीसरा खुद्दक निकाय और चौथा है दीर्घ निकाय। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय आपका ऑप्शन बी यहां पर सही है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो अभी आपने देखा कि आपके महाजनपदों की संख्या जो है वह 16 है। कौन कौन सी है, अंग, मगध, काशी, कौशल, इसको आप पूरी पोयम के तौर पर बुक से देख करके आराम से समझ सकते हैं। और ये इनकी संख्या जो है वो 16 महाजनपद हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किन्होंने किया था। प्राचीन भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किन्होंने किया था। तो आपके ऑप्शन है यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा और ईरानियों द्वारा। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप सोचिए, आप विचार करिए और इसमें अपने आप को, अपने ज्ञान को आंकिए। तो प्राचीन भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किन्होंने किया था। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन सही है वो है ए यानी यूनानियों द्वारा। सबसे पहला जो आक्रमण, यूरोपीय आक्रमण था प्राचीन भारत में, वह यूनानियों द्वारा किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजा बुद्ध का समकालीन था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कूट के रूप में पूछता है, आपको चार ऑप्शन देता है, फिर चारों में से चारों सही हैं कि इनमें से कौन सा सही है, इस तरह के सवाल बनाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजा बुद्ध का समकालीन था। तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी प्रसेनजीत, ऑप्शन सी अजात शत्रु और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप बताइए इनमें से कौन बुद्ध का समकालीन था। तो ये सारे राजा जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी आपका सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज वैदिक जीवक का संबंध निम्न में से किस राजा से था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है क्योंकि बहुत ही महान वैद्य था ये, और इसने कई राजाओं की बहुत ही बुरी हालत में मदद की और उनको ठीक किया। इसलिए ये सवाल बन जाता है कि राज वैद्य जीवक का संबंध निम्न में से किस राजा से था। तो आपका ऑप्शन है घनानंद, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है शिशुनाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसका संबंध राज वैद्य जीवक से था या जिसका जीवक से संबंध था।
तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका बिंबिसार यानी ऑप्शन बी आपका सही है, यानी राजवैद्य जो जीवक था वो बिंबिसार से उसका संबंध था, यानी वो बिंबिसार के दरबार में रहता था और उसको कभी भी कोई भी राजा को कोई प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता था तो वो बिंबिसार से इस वैद्य को जरूर बुलवाता था और वो ठीक भी कर देता था। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है कि कौशल देश की राजधानी का नाम क्या था, कौशल देश की राजधानी का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है चंपा, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है वाराणसी और चौथा है कुशावती। तो दोस्तों कौशल देश की राजधानी का नाम क्या था, तो आपके ऑप्शन चारों हैं, चारों में से आपने अगर अपना ऑप्शन चुन लिया है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें श्रावस्ती जो थी वो कौशल देश की राजधानी थी और ये कौशल देश जो थे वो जो 16 महाजनपद थे उनमें से आता था, अंग मगध काशी कौशल वज्र चेदी मल्ल वस्त्र कुरु पांचाल, ये ऐसे करके 16 पूरे जनपद थे जिनमें से कुछ के नाम मैंने अभी आपको बता दिए। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था और आपको एक चीज़ और सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है कि पीडीएफ के लास्ट में ये आपको सारे उत्तर माला अपने यहाँ पर आपको दे रखी है ताकि आप यहाँ से अपने सारे प्रश्नों के जवाब देख लें, पहले सारे खुद सॉल्व करें, उसके बाद जो ऑप्शन में जिस उत्तर में आपको प्रॉब्लम हो वो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में तभी उपलब्ध मिलेगी जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे कि आपको ये चाहिए तो ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।